पुलवामा हमले के बाद जहां पूरा देश इस वक्त अपने शहीदों को नमन कर रहा है, तो ऐसे वक्त में उनके परिवारजनों की मदद के लिए देश उमड़ पड़ा है। इस हमले में शहीद हुए उत्तर प्रदेश के जवानों के परिजनों की मदद के लिए प्रदेश सरकार ने भी हाथ बढ़ाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि सेना के हर शहीद जवान के परिवार को राज्य सरकार 25 लाख रुपए देने का निवेदन करेगी। साथ ही प्रदेश सरकार शहीदों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी देगी। इसी के साथ यूपी सरकार एक सड़क का नामकरण भी शहीद जवान के नाम पर करेगी। गौरतलब है कि इससे पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को किए गए आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों के परिजनों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर चुके हैं। साथ ही जवानों के परिजनों में से किसी एक को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया था। आपको बता दें कि पुलवामा में हुए फियादिन हमले में यूपी के कई जवान शहीद हुए हैं। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक 12 जवानों के शहीद होने की पुष्टि हो चुकी है। हमारे सीआरपीएफ के 12 जवान पुलवामा में शहीद हुए थे। प्रत्येक जवान के परिवार को राज्य सरकार की ओर से भी हम लोगों ने 25 लाख की अनुग्रह राशि और परिवार के एक सदस्य को राज्य सरकार में नौकरी दिलाने की व्यवस्था की है। साथ ही गांव के पहुंच मार्ग और अन्य उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए भी कार्य करने के निर्देश संबंधित जिला प्रशासन को दिए गए हैं। कल मैं महाराजगंज गया था, महाराजगंज से भी एक जवान पंकज त्रिपाठी इस आतंकी घटना की चपेट में आए थे। प्रदेश के अंदर अन्य जनपदों से भी हमारे कुल जवान पुलवामा में शहीद हुए थे जो उत्तर प्रदेश के निवासी थे। मेरा प्रयास होगा कि उन सभी जवान के परिवारजनों से मिलूं और अपनी संवेदना उनके साथ व्यक्त करते हुए राज्य सरकार का सम्मान उस परिवार को मैं उपलब्ध कराऊं, भारत सरकार की ओर से सम्मान उन परिवारों को उपलब्ध कराऊं। आज की इस घड़ी में मैं इस परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए आया और परिवार के लोगों ने जिस धैर्य के साथ इस परिस्थिति में भी अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए जो जज्बा दिखाया है वह अभिनंदनीय है। मैं राज्य सरकार की ओर से भी और केंद्र सरकार की ओर से भी इन परिवारों को आश्वस्त करता हूं कि दोनों सरकारें संकट की इस घड़ी में इस परिवार के साथ में हैं और हम लोग भरपूर सहयोग इन सभी परिवारजनों को करेंगे।